नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैंटेसी क्रिकेट प्रिडिक्शन में। फ्रेंड, अभी मैं बात करूंगा साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन के जो मैच आज फर्स्ट T20 होने वाला है उसकी ड्रीम इलेवन के टीम के बारे में, एंड आपको उस मैच की मैं न्यूज दूंगा। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम लेते हुए हम सीधे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्या उस मैच की न्यूज़ है फ्रेंड? आप देखेंगे साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ही मजबूत है बांग्लादेश के मुकाबले। 5 के 5 वनडे जो मैच हुए थे, साउथ अफ्रीका ने इजीली उनको जीता है बांग्लादेश से। तो मुझे लग रहा है कि 2020 मैच जो हो रहे हैं अभी, तो वो भी आराम से साउथ अफ्रीका की टीम जीत जाएगी। साउथ अफ्रीका की टीम में यहाँ पर T20 को छोड़ दिया है, जो विकेट कीपर साउथ अफ्रीका की थी, उनको ड्रॉप किया गया है पूरी T20 सीरीज के लिए। तो उसकी जगह पर लीजेन ली जो है विकेट कीपिंग ड्यूटी करेगी, जो कि साउथ अफ्रीका की ओपनिंग बैट्समैन भी है। और यहाँ पर फर्स्ट मैच में साउथ अफ्रीका ये चाहेगी कि अपनी मजबूत टीम उतारे। डिवन नेक्रिक, सिट्रॉन एंड एम काप, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर है साउथ अफ्रीका टीम के लिए। और यहाँ पर इनका जो बैटिंग लाइनअप है, लोरा वॉर्डवर्थ, लेजेंड ली, एम डुप्रीज एंड डिवन नेक्रिक। और जो ट्रेवन है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि तो बॉलिंग भी करती है और साथ में ये अच्छी हिटिंग भी करती है, तो इसको कहीं भी किसी पोजिशन पर उतारा जा सकता है। किसी पोजिशन का मतलब यह है कि अगर इसको फर्स्ट डाउन ही भेज सकते हैं, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, इसको कहीं पर भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये प्लेयर है साउथ अफ्रीका टीम की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें बांग्लादेश की न्यूज़ आपको देता हूँ, जो शर्मिमा सुल्ताना है वो इस मैच में खेलेगी। पिछले मैच में उन्होंने वहाँ पर खेला था, तो अच्छा मतलब 53 रन किए थे 5th ODI में, तो मोस्ट प्रोबली इनकी टीम में जगह रहेगी। अभी रुमाना अहमद एंड फरगना हक, और ये दोनों अच्छे मतलब बांग्लादेश के बैट्समैन हैं, तो आप इनको ले सकते हैं अपनी टीम में। बट थोड़ा क्रेडिट का प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस मैच में रुहाना T20 सीरीज में रुहाना अहमद नहीं रहेगी कैप्टन, इसमें रहेगी सलमा खातून, जो कि T20 सीरीज की कैप्टन रही है, और ये 100% यहाँ पर इसको खेलना ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश के बॉलर की बात मैं आपको बता दूं, जहराना आलम, नाहिदा अख्तर एंड खदीजा, ये इंपॉर्टेंट बॉलर है। खदीजा ने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, तो खदीजा का तो चांस 100% बनेगा खेलने का। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा न्यूज़ तो है नहीं, ये न्यूज़ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और बाकी आप ये प्रोबेबल 11 देख लो, आई थिंक यही खेलेंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। बट ये साउथ अफ्रीका की टीम में एम क्लास या माले की जगह एक प्लेयर खेलेगा, जो भी किसी एक को चांस मिलेगा। ठीक है, तो ये रही इनकी प्रोबेबल 11। अब चलते हैं टीम की तरफ। टीम मैंने पहले से बना के रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड, मेरी सेफ टीम रहेगी ये, ठीक है। यहाँ पर मुझे सी ट्रेवन को ड्रॉप करना पड़ा है, बट यहाँ पर आपको किसी ना किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल फंडा है। लेजेंड ली यहाँ पर ओपनर है, खेलेगी 100%, यानी इसकी बैटिंग तो आनी आनी है। वॉल रात इसकी बैटिंग भी आनी आनी है। वन डाउन जो यहाँ पर आएगी वो आएगी एम डुप्रीज, तो एम डुप्रीज की बैटिंग भी ऑलमोस्ट आ ही जाएगी। सी ट्रेवन का क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ सी ट्रेवन का क्या है, कि कभी और वो आती है 5 डाउन पे, कभी आती है 4 डाउन पे, और उसका कोई फिक्स भी नहीं कि उसको बॉलिंग मिलेगी। उसका कोई आप ये मत समझो कि उसको बॉलिंग मिलेगी, उसका बॉलिंग का भी कोई फिक्स नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि बॉलिंग में साउथ अफ्रीका के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिवॉन नेक्रिक है, काप है, खाका है, नोजे है, एंड ये इस्माइल है, तो साउथ अफ्रीका के पास बॉलर काफ़ी है, तो सी ट्रेवन को बॉलिंग देने का ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। और यहाँ पर मैंने देखो, आप एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आप शामिमा सुल्ताना को रखना है, शामिमा सुल्ताना 8 क्रेडिट, यहाँ पे 2 सुल्ताना है। शर्मिन सुल्ताना को मत रखना, शर्मिन सुल्ताना का चांस खेलने का मुझे नहीं लग रहा है। जो ये शामिमा सुल्ताना जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको आप रखना, क्योंकि ये इस मैच में 100% खेलेगी। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एस सुल्ताना 2 है बांग्लादेश के पास, तो आप नीचे वाली जो सुल्ताना है 8 क्रेडिट वाली सुल्ताना, उसको अपनी टीम में रखना। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको मैं ऑप्शन देता हूँ इस मैच में, अगर आपको और कुछ करना है तो आप यहाँ पर रुहाना अहमद से थोड़ा एडजस्ट करके
आप यहाँ पे फरगना हक को रख सकते हो, बट रुहाना अहमद यहाँ पर बॉलिंग भी करेगी, पिछले मैच में अच्छा रन किया था, इस पर तो मैं बोलूँगा नहीं आप छेड़ो, ठीक है। खाका की जगह हटा के, खाका को अगर आप हटाते हो तो खाका की जगह आप इस्माइल को रख सकते हो, यहाँ पर फिर आपको 0.5 क्रेडिट पड़ जाएगा, तो आप कुछ अपना बड़ा प्लेयर जो है ना अपग्रेड कर सकते हो। बट मेरी स्मॉल लीग की टीम ये है, इस टीम से मैं 2999 वाली लीग भी खेलूंगा, क्योंकि मुझे 100% लग रहा है कि ये लीग अच्छा करेगी, ये वाली जो टीम है अच्छा करेगी, तो ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है। आपको मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम दिखा देता हूँ, बाकी मैंने 6 ग्रैंड लीग की टीम बनाई है, आप इस टाइप से ग्रैंड लीग टीम बना सकते हो, मैं आपको जल्दी जल्दी में दिखा देता हूँ। लीग कप, ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने कप और खाका को बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डीवान नेक्रिक एंड वोल्ड्रात को वाइस कैप्टन कर दिया है, यहाँ पे मैंने सीट्रियन एंड ली को मैंने वाइस कैप्टन कर दिया है, एंड यहाँ पर मैं नोजाके एंड खाको को मैंने वाइस कैप्टन कर दिया। तो इस टाइप से आप कुछ भी टीम बना सकते हो। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको इस मैच में बताता हूँ, अगर यहाँ पर बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करती है तो मोस्ट प्रोबली यही होगा कि बांग्लादेश की टीम 70-80 या विद इन 100 रन के अंदर सिमट जाए, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप वहाँ पर आप जो मैंने ये टीम बनाई है नोजाके एंड खाका, इस टाइप से आप बॉलर को कैप्टन कर सकते हो। और अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है तो वहाँ पर आप ली को कैप्टन कर सकते हो, या आप नेक्रिक को वाइज कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि नेक्रिक तो बॉलिंग भी करेगी, या आप उसके ली को कैप्टन कर सकते हो, या वोल्ड्रात को वाइज कैप्टन कर सकते हो उसके साथ, या ली को कैप्टन कर सकते हो, या एम डुप्रीज को वाइज कैप्टन कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको कॉम्बिनेशन कुछ सेट करने पड़ेंगे और तब जाके आप ग्रैंड लीग में इसमें कुछ कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही क्रिकेट की न्यूज़ देते रहूँगा।